उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के चौथे वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसमें आज जो है उससे कहीं आगे जाने की क्षमता है। यदि हम ठान लें तो पंजाब विश्वविद्यालय वैश्विक क्षितिज पर अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक होगा। हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है। पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विदेश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, नौकरशाह और उद्यमी जैसे पदों पर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में हमें बहुत जिम्मेदार होना होगा। हमारा भारत पहले से कहीं ज़्यादा बदल रहा है। 1989 में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में सरकार में रहते हुए मैंने देखा कि जिस भारत को हमने सोने की तरह कहते थे, वह आज का भारत हवाई जहाज के भारत के बाहर और स्विस देशों में यहाँ रखा गया था। देखिए हम कितनी दूर आ गए। Mr. Ajay Sood, after he had made with precision all his inputs, he was a little surprised that something was to be given to him. Ladies and gentlemen, our Bharat has changed. Four chief ministers were not aware they were being made chief ministers. I am personally privy to it. And some of the first timers, and in the audience you had all the legislators, those who have been seven timers. So sir, times have changed, but I am glad you came back and received it. I share one thing in common with you. You shifted to Delhi around 1.5 years back. So did I. But for you it was a seamless transition. For me it was very pleasant. I came at a place where I could contribute without resistance. An ecosystem that I didn't have in the state of West Bengal, but I have very high regard for Mamata Banerjee.